तो फ्रेंड्स वेलकम टू जी डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स OSTEWS एग्जामिनेशन CBT का जो आपका नवंबर 25-26 को होने वाला है उसका एडमिट कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड करना है। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, नीचे आपका पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है और DOB जो है आपको इसी फॉर्मेट में डालना है, DD-MM month और -year का फॉर्मेट में डालना है आपको, तब जाके आपका ये लॉगिन होगा। अभी भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनका एप्लीकेशन नंबर गुम हो गया है या कहीं आपको एप्लीकेशन नंबर मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी आप एक दो दिन का वेट कर लीजिए। यहाँ पे जल्दी ही फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट एप्लीकेशन का नंबर का भी एक लिंक जारी कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से दोबारा अपना एप्लीकेशन नंबर ग्रैब कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपका कैंडिडेट कोड है, तो अगर आपने किसी ने UPI से या फिर किसी कार्ड से पेमेंट करी हो तो वहाँ पे कैंडिडेट कोड लिखा होगा, उस कैंडिडेट कोड को डाल के आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन नंबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आपको यहाँ पे आपको होम पेज पे जाना हो, यहाँ पे हेल्पलाइन देखिए, ये वेबसाइट दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग भी लिखा हुआ है 9:30 से 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे हेल्प डेस्क टीम से आप बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने आज से स्टार्ट कर दिया, बट आज 18th है, बट आज सैटरडे है, तो आज आपका कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा, आज आपका कॉल नहीं मिलेगा। आप मंडे आराम से कॉल कर लीजिएगा, मंडे कॉल करके अपनी सभी समस्याओं का हल सॉल्ट आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी होगी वो थोड़ी शांत होगी। ओके फ्रेंड, वीडियो पसंद है।